जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था आज के लाइव सेशन में कि कोहली करेंगे बड़ा स्कोर, और जब कोहली बड़ा स्कोर करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया ना जीते, और इंडिया को जीत तक पहुंचाया कोहली के इस बड़े स्कोर में। 85 रन्स कोहली ने किए, एक बहुत बड़ा टारगेट मिला था इंडिया को, 316 रन्स चेस करने थे। मगर जब हम कटक की बात करते हैं तो कटक में तो मशहूर है हाई स्कोरिंग मैचेस, और जिस तरह पास्ट में अभी इंडिया यहाँ खेला था तो ऑलमोस्ट 360 प्लस 380 प्लस का टारगेट था जिसको चेस करना था। ये तो सारी कटक की सिचुएशन थी, बट फिर जब हम बात करते हैं रिलायबल ओपनर्स की तो रोहित और केएल राहुल आज इस तरह खेले हैं, दे वर सिंपली रिलायबल। हर दफ़ा जो टीम इंडिया अगर ओवर डिपेंड करती है अपने ओपनर्स पे, वो उसी वजह से करती है कि एक आधी इनिंग अगर वो नहीं खेलेंगे अच्छी, उसके बाद उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोहित ने जिस तरह 63 किए, केएल राहुल ने 77 किए। फिर आती है इंडिया के मिडिल ऑर्डर की बात। जब जब इंडिया के मिडिल ऑर्डर की बात आती है तो थोड़ा सा हमेशा डिस्कशन में आता है कि इतना रिलायबल नहीं है इंडिया का मिडिल ऑर्डर, मगर जब भी ये रिलायबिलिटी हल्की पड़ती है और मिडिल ऑर्डर नहीं करता तो कोई ना कोई नीचे से आके जो है वो रन्स कर देता है, जिस तरह आज बहुत क्रूशल इनिंग खेली जडेजा ने। और जितनी तेजी से जडेजा खेले, 39 रन्स उन्होंने बनाए 29 बॉल्स में, तो जडेजा ने दिखा दिया कि व्हाई ही इज नोन एज द रिलायबल हिटर, जो कि नीचे से आके रन्स कर जाते हैं। फिर जब क्रूशल मोमेंट पे अगर हम बात करें, कोहली की विकेट जिस वक्त गिरी है, बड़ा बहुत क्रूशल मोमेंट था वो, और उस क्रूशल मोमेंट पे क्विक रन्स चाहिए थे, टारगेट अचीव करना था। आके ग्राउंड में उतरे शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर जो हैं उन्होंने जिस तरह की इनिंग खेली, जितनी तेज़ इनिंग की उस वक्त रिक्वायरमेंट थी उसी तरह तेज़ इनिंग खेली, यानी सिर्फ और सिर्फ 6 बॉल्स पर 17 रन्स बनाए, और इसी तरह की इस वक्त ज़रूरत थी, और वो 17 रन्स बना के इंडिया को सीरीज जितवा दी। 2-1 से सीरीज इंडिया ने अपने नाम की। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं इंडिया की, तो नवदीप सैनी जो हैं वो आज डेब्यू कर रहे थे, और जो उन पे कैप्टन ने या थिंक टैंक ने या टीम मैनेजमेंट ने रिलायबिलिटी शो की थी कि वो उनको डेब्यू करवाया जाए इस क्रूशल मैच में, जो कि जीतना ज़रूरी था, इट वॉज अ डिसाइडर फॉर द सीरीज, तो वो पूरे उस पे उतरे, पूरी जो उन्होंने उनके ऊपर जो रिलाय किया गया था, उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया गया था, उस पे पूरे उतरे, और सिर्फ 58 रन्स देकर उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, और 2 क्रूशल विकेटें हासिल की, क्योंकि सैनी को रिप्लेस किया गया था, एंड ही प्रूव्ड व्हाई ही वॉज डेब्यू टुडे एट दिस क्रूशल मैच। तो इन दी एंड अच्छी खबर ये है कि इंडिया ने बाजी मार ली है, और जिस तरह सुबह हमारी बात हुई थी, जिस तरह सुबह आपको मैंने बताया था कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर कोहली टू परफॉर्म, और कोहली डेफिनेटली सबसे ज़्यादा कोहली को खुद फील हो रहा होगा कि उन्होंने परफॉर्म करना है, और उन्होंने जो है बड़ा स्कोर करना है और इंडिया को जिताना है, और उसी तरीके से कोहली ने परफॉर्म किया, और वो परफॉर्मेंस जब जब कोहली खेलते हैं मैं तो पर्सनली बहुत इन्जॉय करती हूँ जिस तरह वो खेलते हैं उनको देखना, क्योंकि जितने एनिमेटेड हैं वो, जिस तरह वो खेलते हैं, नो वंडर जो है लोगों को बहुत पसंद है वो, और वो एक ब्रांड है, वो एक स्टार है इसी वजह से, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है। सो इन दी एंड जो अच्छा ख़त्म होता है वो अच्छा होता है। एक मैच शुरू में जो इंडिया हारा, मगर उससे ये हुआ कि एक पंच मिला इंडिया को, और जिस तरह बाउंस बैक किया टीम इंडिया ने, इट वॉज ब्रिलियंट। 2-1 से सीरीज अपने नाम की। अब देखना है आगे वाली सीरीज में किस तरह परफॉर्म करेगी इंडिया की ये फॉर्मिडेबल टीम। और इसी के साथ वक्त खत्म हुआ है। आप लोगों से सुबह बात करके बहुत मजा आया था। मैं सोच रही हूँ कि अब रेगुलर ऐसा करना शुरू करूंगी मैं, और आप लोगों से बात करूंगी, बट तब तक के लिए जब तक आपसे फिर से बात नहीं होती, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।